डिजिटल एसटेंडी जो है ये एजल एसटेंडी, इसको आप फोन से कनेक्ट कैसे कीजिएगा ये हम आपको अभी बता देते हैं माउस से, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले स्विच को प्लग लगाना है उसमें, और प्लग लगाने के बाद जो माउस का जो चिप पेन ड्राइव होता है उसके लगा देना है इसमें। फिर क्या करना है आपको, इस यहाँ पे आना है, इस पर यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें वाईफाई का ज़रूरत पड़ती है। इसमें इसमें सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे, उसके बाद वाईफाई लिखा हुआ है वहाँ पर, उस पर जाएंगे। उसको ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट को ऑन करना पड़ेगा, पहले जिस फ़ोन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिए। यहाँ पे आ गया मेरा फ़ोन का हॉटस्पॉट का, अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे अपना हॉटस्पॉट का। अब ये कनेक्ट हो गया फ़ोन से, अब इसको क्या करेंगे, आप बैक आ जाएंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करके बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब क्या करना है, ये तीन नंबर पे दिया गया है, ये एक नंबर पे क्रोम है, दो नंबर पे क्लॉक है, तीन नंबर डीजी साइन ऑफलाइन प्लेयर, उस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे नो स्लाइड्स आ रहा है, तो फिर अब क्या करना है, साइड से खींचना है इसको माउस से। तो यहाँ पे साइड में चले जाएंगे और इसको इसे खींचेंगे। फिर यहाँ पे सब दिया, यहाँ पे दिया गया है जनरल सेटिंग और मैनेज स्क्रीन। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट आ जाना है नीचे रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल के नीचे दिया गया है पेयर, यहाँ पेयर, तो पेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाता है, फिर हमको क्या करना है, उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, रिमोट डीजी साइन ऑफलाइन प्लेयर के अंदर जाना है, इसमें रिमोट वाला में उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्लस का जो दिया गया है साइन, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसमें क्या करेंगे, इसका कोई भी मॉडल या नाम हम दे देंगे, इसको हम क्या दे देते हैं, एजल एसटेंडी दे देते हैं, एजल एसटेंडी 43। और इससे जो है ना, इससे सेव हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, सेव हो गया ये। अब कुछ अपलोड करना है या टिकट डालना है नीचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एरो का साइन है इस पर क्लिक करेंगे, एरो के साइन पर। अब टिकट डालने के लिए यहाँ पे जो टिकट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे चलाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शॉप का नाम, शोरूम का नाम, रेस्टोरेंट का नाम और नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह इसमें हम, तो यहाँ से हम उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिख दे रहे हैं, ये चलो 1 2 3 ही लिख दिए, जैसा कि सेव कर दिए, वहाँ पे शो करेगा। अभी अगर उस स्टिकर को अगर चलाना है, इसके लिए शो करना होगा, अगर शो को अनटिक कर देंगे इस पर तो स्टिकर वहाँ पे बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। फिर जब भी चलाना चाहेंगे तो चलने लगेगा यहाँ से। और यह है बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर और ये ड्यूरेशन।